महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म चल रहा है। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी सिलसिले में आज किनवट शहर के गोंडराजे मैदान में किनवट माहूर विधानसभा के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के लाइव डिबेट का प्रोग्राम रखा गया था। एक घंटा चली इस लाइव डिबेट में भाजपा के उम्मीदवार भीमराव केराम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार प्रदीप नाइक और अपक्ष उम्मीदवार सचिन नाइक, इन तीनों उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों ने डिबेट में भाग लिया और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। शुरुआत में शांति से शुरू हुई इस डिबेट ने आगे चलकर चुनावी दंगल का रूप ले लिया। देखते हैं इस डिबेट की कुछ खास झलकियां। मक्का जुआ सत्ता ये ऐसा उद्धव ठाकरे के पीरियड में चालू हुआ। ये बताइए, हाँ मैं आऊंगा आपके पास में आऊंगा। आप बताइए ये आपका सिर्फ चुनाव नहीं, आपका जो है ये अग्नि परीक्षा भी है। आपको ये भी साबित करना है कि असली एनसीपी आप ही हैं या कौन है ये बताइए कि आपके पास क्यों सीपीआईएम भी हमारे साथ बताइए पहले भूमिका क्यों दिया कोनी बोल रहा भूमिका मानना ना भूमिका मानना एक ही मिनट भूमिका को चर्चा करना है तो करिए आपने अपने आप बाद में आप बात कर लीजिएगा। हमारे साथ निर्दलीय भी है जो सचिन नायक है वो चुनावी मैदान में है और हमारे साथ मधु सिंह यादव उनका रिप्रेजेंटेटिव है उनका पक्ष रखेंगे। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप आमदार आलाच नाही तुमच्या गावात हो मग तुम्ही त्याला कशाला निवडून दिलं जरा सवाल आहे। नाही जो बोले ना तो उन्होंने जो विरोधी पक्ष वाले ये उतारी वाले बोल रहे जयराम ठाकुर की भाई लोग ढाई साल में पांच साल में कोई खेड़े में नहीं गए, इसको भेंट नहीं दिए, कुछ भी नहीं करे। तो जयराम साहब क्या बोले कि जो मेरे को हल्स लाने के लिए मुंबई जाना पड़ता है, वहाँ मंत्रालय है, वहाँ से मेरे को करके लाने लगता। अगर मैं यहाँ खेड़े पाड़े अगर घूमते रहूँगा तो ये विकास के लिए निधि कैसा आ सकता है, इसलिए मैं वहाँ पर मैं मौजूद था। तो जयराम साहब क्या बोले, खाली हाथ मैं गाँव में जाके क्या किसी की पति लेने जाऊँगा क्या, ऐसा इतना ही बोले। कोई महिला के ऊपर ऐसा नहीं बोले, गलत बात है ये। यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं आपका जवाब आ गया। मेरी सीधा सीधा कहना है, इनो बोल रहे 15 साल के एमएलए थे, 15 साल के एमएलए के गांव में एमएलए एक सभागृह नहीं दे सका, खुद के
माजी एमएलए के घर के सामने का रास्ता विराम करा। यहाँ पर साजिद खान साहब बहुत बात कर रहे हैं, 15 साल इन्होंने एमएलए थे, एक मड़गी नहीं बने किनवट में, एक शटर जो बाजू को यहाँ पे चर्चा में मुद्दा आया कि भ्रष्टाचार का मुद्दा से भाजपा के लोगों ने उठाया, जितने भी भ्रष्टाचारी है महाराष्ट्र को लुटने वाले, गैंग लुटने वाले, सागर सुगर फैक्ट्री लुटने वाले, ये सब उधरी है, सब साथ में सरकार में है। ये भ्रष्टाचार की बात क्यों कर रहे हैं? हम सब छोटे छोटे लोग हैं। अर्जुन आलो साहब आप बोले यार, तो पूरे भ्रष्टाचार में छोटे लोग डिबेट कर रहे हैं। कैपेसिटी बेरोजगारी से परेशान है, मेन मुखिया अभी इन सवालों से सब लोग परेशान है, मेन मुखिया। इसीलिए ये जो अभी रनिंग एमएलए है या फिर पहले के भी एमएलए हो, पहले के एमएलए ने जो भी किया नहीं किया उसके सर जाएगा, 20 तारीख को लोग तय करेंगे। लेकिन ये जो एमएलए है ये भी किनवट के गरीब लोग यहाँ मुलाकात को नहीं आना बोलते, गांव छोड़ के नांदेड़ भाग गए, ये क्या एमएलए होता है? और हमारा जो रोड का जो बड़ा जो रोड है 21 फुट का जो हमारे शहर से आने वाला था, जिसको 80 फुट बनाने वाला यही एमएलए है, अभी जो रनिंग एमएलए विकास की बात बोल रहे हैं, हालांकि पूरी जगह छोड़ दिया गया है 120 फीट का शहर में से। विकास उसी को कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए कुछ काम हो। यहाँ पे भाजपा हो कांग्रेस हो, ये कौन किस पे पार्टी में उनको मालूम, बरोबर के निराश बोलते टाइम पे आदमी भी अपने दिमाग में सोच के बोलना, ब्लॉक कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। इसलिए कोई सवाल पे ये एमएलए अगर 5 साल में महंगाई के बारे में एक मोर्चा निकालो हम उसको वोट दे दें। नंबर एक, किसानों के फसल के बारे में कभी किसको एक चिट्ठी लिखी बता दो, हम उनको मदद करेंगे। बेरोजगारों का जो बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार, उसके बारे में किसी को चिट्ठी लिखा है बताओ। एमएलए कई के लिए होता है भैया? खुद के लिए होता है क्या? खुद के घर के लिए होता है क्या? जनता का नुमाइंदा होता है, जनता के सवाल पे लड़ना चाहिए। ऐसी लड़ाई कभी भी इन्होंने नहीं किया है दोस्तों। इसलिए हम सीपीएम से यहाँ लगातार पिछले 40 साल से किनवट को जिला बनाओ बोल के हम मांग करते हैं, इस्लापुर को तालुका बनाओ बोल के मांग करते हैं, मांडवी को तालुका करो बोल के मांग उठाते हैं। सभी की सरकार आई, 20 मुख्यमंत्री बने। मैं नहीं बोलूंगा आप मुख्यमंत्री को गलत शब्द से, क्योंकि मैं चैनल से बात कर रहा हूँ। क्या ये नींद में सोते हैं क्या दारू पी के? 20 मुख्यमंत्री क्या किए और उस मुख्यमंत्री का नुमाइंदा क्या करता है? ना हम तुम तालुका बना सकते हो, ना जिला बना सकते हो, ना तुम कोई सोयाबीन का अभी यहाँ खुल्लम खुला सारा चीज फसल का जो सरकारी दाम है वो खुला हुआ है। सरकार ने बोला है कौन सी बाजार है भैया यहाँ पे बताओ, कौन खरीद रहा है बताओ, क्या करता है मुख्यमंत्री, क्या करता है एमएलए एमपी और क्या करते हैं बाकी सभी लोग। ये अपना घर बनाओ, एमएलए बनो, कोई पुना जाओ, कोई किधर जाओ, अपने अपने खुद के लिए सारा चल रहा है भैया। 75-76 साल हो गया, जनता को उल्लू बनाया जा रहा है, जनता इनके साथ किसी के साथ नहीं है। जनता को 1000 रुपये दे दो गाड़ी में बैठ रहे, वो भी टेम्पो में नहीं बैठ रहे। क्या लाई की है नेताओं की लाई? यही लाई की है क्योंकि जनता का भरोसा इन पे नहीं और जनता का भरोसा उन पे नहीं है। आप बोल रहे हैं हम टेम्पो में नहीं बैठेंगे, अच्छी गाड़ी भेजो, गाड़ियां भेज रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं लोगों को और तब उनको उनके रैली में बुलवा। इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्ग वाली हो रहा है, जनता के सवाल नहीं हो रहा है, जनता देवेंद्र फडणवीस आए थे मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र आया था, नहीं जी,
का समर्थन किधर है? आप मुझे बताइए समर्थन किधर है? एक मिनट चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? दम है तो बोलो, जवाब दो। हमारा समर्थन बीजेपी आगाड़ी को पारस करना हमारा है। जो जातिवादी लोग हैं, जो दंगा लगाते हैं, जो महाराष्ट्र को देखते हैं, जो महाराष्ट्र के सारे उठे उठाकर गुस्सा करते हैं, इनसे उतार के फिर लेके आगे बात करें। तो फिलहाल अपन बोले नहीं, गलत है ना वो बोल रहा था ना कि बात करने को ना ना हंसने दे रहे हैं, हम मुझसे बोल रहे हैं, बात करने को ना ना बोल रहा है, मजा आया, मजा आया, खड़ा रहो, नहीं जवाब क्या तुम भाई ये पूरे नेशनल पे देंगे? मेरा भाई मैं भाई जिलाध्यक्ष तुम्हारा विनंती है, कौन बोलू ना तुम ले हटेगा तो मेरे तुम ले कटेगा। सात मिनट के तीनों पक्ष तो ये मैं समझ पहले इनको मैं दे चुका हूँ, सुनो ना मैं सुनो बात में इनको क्या बोलने, हमारी सुनने की क्षमता है, तुम जनता में जाएंगे जनता एक रक्षा ऐसा।